चलो तो फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है, देखो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो तो कैसे कैसे करना है। तो जो वहां पे फर्स्ट रिएक्शन दिया है और जो वहां पर सेकेंड रिएक्शन दिया है, उन दोनों को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। तो उन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है 3 ड्यूटेरियम का एडिशन। 3 ड्यूटेरियम का एडिशन इज इक्वल टू हेलियम का न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, जो लेफ्ट की तरफ एक ट्रिटियम का एटम आता है और राइट की तरफ भी एक ट्रिटियम का एटम आता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं एडिशन करने के बाद। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन, हर एक का मास मैंने एएमयू में नीचे लिखा है। तो डेल्टा एम मतलब लेफ्ट का मास अपॉन राइट का मास, यहाँ पे मैंने उल्टा किया है लेकिन कैसा रहता है, लेफ्ट का मास अपॉन राइट का मास। तो लेफ्ट का मास कितना है इसका, 3 टाइम्स है, और राइट का मास कितना है, इन तीनों का एडिशन। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली ये पहले चाहिए था उसके बाद ये चाहिए था, तो सब्ट्रैक्शन कितना आता है, इतना आता है, दिस माइनस दिस। ओके, 0.026 AMU, ये आता है अपना डेल्टा एम। तो 1 AMU कितना एनर्जी देता है, 931, ये रट्टा मार के रखो, 1 AMU इतना एनर्जी देता है। तो इतना AMU कितना एनर्जी देगा, तो एनर्जी गिवन बाय दिस मच AMU, इतना AMU डेल्टा एम है ना, तो ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो निकालना है। तो दिस मच इंटू 931 डिवाइडेड बाय 1, तो वो करके मिलता है मुझे इतना एनर्जी। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करने के बाद, और मेगा को 10⁻⁶ रखा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये आया। तो ये जूल्स में एनर्जी आता है। अब 10⁻⁶ जूल्स पर सेकेंड हमको एनर्जी रिलीज करना है ना, उधर दिया है वैट्स, 10⁻⁶ वैट। तो 10⁻⁶ जूल्स पर सेकेंड इतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तो कितना एटम्स होगा। अब इतना एनर्जी के लिए कितना एटम्स लग रहा है, ड्यूटेरियम का 3 एटम्स लग रहा है ना, रिएक्शन में लेफ्ट की तरफ कितना है, ड्यूटेरियम का 3 एटम्स। तो 3 एटम्स इतना एनर्जी देता है, तो इतना एनर्जी कितना एटम्स देगा, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस 3 × दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये करने के बाद इतना एटम्स आता है। तो इतना एटम्स पर सेकेंड फूटना चाहिए, इतना एटम्स पर सेकेंड क्या होना चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए। तो इतना एटम्स 1 सेकेंड में फूटता है, तो दिया कितना है, 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ फ्यूज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10⁻⁴ × 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो इतना आता है टाइम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 बोनस है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, देखो जो भी रेडिएशन का लिमिट है उसको हम लोग ए बोलते हैं, ए डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होंगे, तो ए रेडिएशन पर सेकेंड उसमें से बाहर आएंगे, तो ए में वो उसको लिमिट बोलता हूं। अब टी हाफ दिया है, अब जब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स था, उसको मैं एन नॉट बोल रहा हूं, जब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स था तब कितना रेडिएशन हो रहा था, कितना रेडिएशन होता है मतलब उतना ही डिसइंटीग्रेशन होता है, तो कितना डिसइंटीग्रेशन होता है, तो डिसइंटीग्रेशन का रेट नंबर ऑफ एटम्स को प्रोपोर्शनल रहता है, डिसइंटीग्रेशन का रेट नंबर ऑफ एटम्स को प्रोपोर्शनल रहता है, इसका बाद में यूज करेंगे। तो अब कितना रेडिएशन है, जितना सेफ लिमिट है उसका 64 टाइम्स है, अब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और इनिशियल रेट ऑफ रेडिएशन 64 टाइम्स है, तो हाफ टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ होगा, ये अभी 62 नहीं होगा, ये भी 32 होगा, तो ये भी हाफ होगा। तो कुछ टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम्स एन होते हैं, ये नॉट का नंबर ऑफ एटम्स कुछ टाइम के बाद एन होता है, ये कुछ लाइन मतलब का नहीं ऐसे लिखा मैंने, कुछ टाइम के बाद एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स जो है इनिशियली वो क्या बनते हैं, एन बनते हैं, और जो 64 टाइम्स है रेडिएशन सेफ लिमिट का, वो सेफ लिमिट में अभी आता है। तो n0 upon n dn by dt किसको प्रोपोर्शनल है, n, तो रेडिएशन का रेट ये है dn by dt, रेडिएशन का रेट ये है dn by dt। अब dn by dt 64 टाइम से कम होता है, तो n नॉट भी 64 टाइम से कम होता है, तो n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू क्या, पहले का dn by dt अपॉन अब का dn by dt। तो पहले का 64 ये था, अब a हो गया, a ही कैंसल, तो 64 आता है, इसको उल्टा करके यहां पर लिखा है n अपॉन n नॉट 1/64 मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या, n अपॉन n नॉट का और एक फॉर्मूला रहता है, हाफ रेस टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये रहता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अभी 1/64 n अपॉन n नॉट है हमको पता है, तो 1/2 का एक कौन सा इंडेक्स है, 6th इंडेक्स है, मतलब कितना हाफ लाइफ हो गया है,
एन नॉट से एन तक आने के लिए, एन नॉट से ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है ना, एन अभी कितना एटम्स है, तो एन एटम्स नहीं सॉरी न्यूक्लियस, तो एन नॉट से एन तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना हाफ लाइफ लगता है, तो एन, तो कितना हाफ लाइफ आया, सिक्स हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ मतलब दो घंटा, तो टू इंटू सिक्स मतलब 12 आवर्स में ये काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो रहा है, देखो एक एटम, एक न्यूक्लिया है ए, वो उसका अल्फा डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, उसका एवरेज हाफ मीन हाफ लाइफ दिया है, मीन लाइफ दिया है, दूसरा इंटीग्रेशन हो रहा है बीटा, या दूसरा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है बीटा डीके से, उसका मीन लाइफ भी दिया है 520 इयर्स, तो ये ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैंने अज्यूम किया है एक्स में, दिया नहीं है क्वेश्चन में, ए इधर कन्वर्ट हो रहा है वाई में, तो भी डीएन बाई डी टी, डीएन बाई डी टी क्या, इधर से भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इधर से, तो इधर से कितना कितना डिसइंटीग्रेशन होगा, तो लैम्बडा वन इंटू एन वन, इसका मैंने लैम्बडा वन पकड़ा है कॉन्स्टेंट, ओके डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लैम्बडा वन, और इधर से भी डिसइंटीग्रेशन होगा, तो इधर से कितना डिसइंटीग्रेशन होता है, माइनस लैम्बडा टू इंटू एन, नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल, इसका इधर भी सेम लेने का और इधर भी सेम लेने का, ठीक है चलो, तो dn by dt ऐसा होता है, तो तुम लोग डायरेक्टली याद रखना, ये समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो ऐसा डायरेक्टली याद रखना। अगर डिसइंटीग्रेशन दो तरीके से हो रहा है, एक लैम्बडा वन, इधर का डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है लैम्बडा वन, और इधर का डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है लैम्बडा टू, तो टोटल डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, रिजल्टेंट डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, रिजल्टेंट लैम्बडा क्या देने लेने का, लैम्बडा वन प्लस लैम्बडा टू, तो रिजल्टेंट लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा वन प्लस लैम्बडा टू, तो लैम्बडा वन मतलब वन अपॉन टो रहता है, टो दिया है 1620, इधर का टो मतलब मीन लाइफ दिया 1/520, इनको एडिशन किया तो लैम्बडा रिजल्टेंट मिलता है। अब हमको टी हाफ चाहिए, ओवरऑल टी हाफ, तो टी हाफ मतलब 0.693 अपॉन लैम्बडा रिजल्टेंट, तो लैम्बडा रिजल्टेंट इधर से निकलता है इधर डालो, तो फिर टी हाफ मिलता है इतना। तो अभी क्या बोला है, कितने टाइम के बाद सैंपल 1/4 होगा, तो n अपॉन n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, अब का नंबर ऑफ एटम्स, तो n अपॉन n नॉट कितना चाहिए 1/4, तो n अपॉन n नॉट का फॉर्मूला क्या है 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना आता है 2, इसका स्क्वायर है ना 1/4, तो नंबर ये क्वेश्चन में दिया है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना आता है 2 आता है, तो 2 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ मतलब 272, अभी इधर निकाला ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना ईयर्स आता है, तो इतना ईयर्स के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मतलब उस उधर क्या बोला है, के अल्फा लाइन। अब के अल्फा लाइन क्या होता है, के अल्फा लाइन मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आता है, मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्बिट से के ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स का नंबर नेमिंग क्या रहता है, के एल एम है, तो के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो जब एल से के में आता है, एल मतलब दूसरा, जब L से K में आता है तो उसको बोलते हैं K अल्फा लाइन। जब इलेक्ट्रॉन L से K में आता है तब वो एक फोटोन रेडिएट करता है, उसको बोलते हैं K अल्फा लाइन, वो एक्सरेज में रहता है। जब तीसरा ऑर्बिट, तीसरा मतलब क्या, K L M, M तीसरे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तीसरे ऑर्बिट से K ऑर्बिट में आता है तो उसको बोलते हैं K बीटा, उसको क्या बोलते हैं, K बीटा। तो अब K गामा मतलब क्या रहेगा, K गामा मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, के गामा मतलब क्या रहेगा, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, एल वैसा एल अल्फा भी रहता है, एल अल्फा मतलब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, एल अल्फा मतलब थर्ड से सेकेंड में, थर्ड से सेकेंड में मारता है तब उसको बोलते हैं एल अल्फा, एल में उड़ी मार, अरे किधर गया, अगर एल है के है ये एल है, एल में के एल यम, यम से जब एल में मारता है उड़ी, जब इलेक्ट्रॉन के एल एम, एम से जब एल में जंप मारता है तो उसको बोलते हैं एल अल्फा, ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो वन अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला ये रहता है, वन अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला ये रहता है, ये अपना रेबक्स कांस्टेंट है, और रेबक्स कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट है, जेड पे, जेड का स्क्वायर। तो जो भी तीनों वहां पे आइसोटोप्स दिए उन सबके लिए जेड तो सेम ही है, जेड सेम है तो लैम्बडा सेम, तो लैम्बडा वन लैम्बडा टू लैम्बडा थ्री तीनों इक्वल आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, तीनों इक्वल है तो तीनों के लिए क्या कंसीडर करो, तीनों को लैम्बडा ही कंसीडर करो, और फोर्थ ऑप्शन में डाल के देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका बराबर आता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फोर सही है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल रहते थे तो वो ऑप्शन सही था, लेकिन
फोर्थ वाला ऑप्शन से भी वही पता चलता है कि तीनों इक्वल है। ओके, उधर लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री को क्या डालो, लैम्डा डालो और दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड सही आता है कि नहीं, सेम आता है कि नहीं देखो। 33 में क्या दिया है, ये ऐसा रॉड है उसका डायमीटर दिया है, टेम्परेचर दिया है पहले वाला, बाद में टेम्परेचर जीरो हो गया तो उसके अंदर का टेंशन निकालना है। तो टेम्परेचर चेंज में टेंशन कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वाई ए, ए कौन सा लेने का, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया है उससे रेडियस निकालो एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर, अल्फा दिया है डेल्टा थीटा 25 से जीरो आता है मतलब 25, सब पुट करो वैल्यू इतना आता है एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर 4000। क्वेश्चन नंबर 35 में लेंथ एल दिया है इनिशियल अल्फा और उसका अल्फा अल्फा है, दूसरा एक रॉड है उसका लेंथ 2L है उसका अल्फा 2α है, उसको अल्फा 2 पकड़ा है मैंने, इसको अल्फा 1। अब रिजल्टेंट लेंथ कितना रहेगा दोनों का एडिशन, इनको कनेक्ट करना है ना, तो कनेक्ट करने के बाद रिजल्टेंट एक लेंथ होगा, तो रिजल्टेंट लेंथ कितना होगा L1 प्लस L2, ठीक है, और L1 कितना है L है, L2 कितना है 2L है, तो 2L प्लस L रिजल्टेंट लेंथ कितना होता है 3L होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज, कनेक्ट किया और टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट लेंथ इज इक्वल टू रिजल्टेंट लेंथ ऑफ आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज, कॉम्बिनेशन का लेंथ, कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, न्यू लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस न्यू लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, एल रिजल्टेंट, जो भी दोनों को जोड़ने के बाद जो रॉड बना है उसको एल रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, एल रिजल्टेंट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये हो गया फाइनल ओवरऑल लेंथ, फाइनल ओवरऑल लेंथ इज इक्वल टू पहले रॉड में कितना, पहले रॉड का लेंथ कितना हुआ फाइनली और दूसरे रॉड का लेंथ कितना हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सबका, ठीक है। तो L1 अंदर मल्टीप्लाई किया, L2 इधर अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर L रिजल्टेंट अंदर मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ L1 आता है 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद और इधर L2 आता है ये 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो L1 प्लस L2 कितना है, L रिजल्टेंट है, वो इधर सब्सटीट्यूट किया तो इधर का L रिजल्टेंट और इधर का L रिजल्टेंट कैंसिल होता है और ये रिलेशन आता है। नहीं समझ रहा तो एक बार सॉल्व करो और इस स्टेप का, इस इक्वेशन का यूज करो, L1 प्लस L2 के लिए इधर इस साइड में ये रिजल्टेंट डालो तो तुमको ये स्टेप मिल जाएगा और तीनों जो है उसमें से डेल्टा थीटा भी कैंसिल हो गया तो ऐसा आता है। तो ये रिजल्टेंट 3L है, अल्फा रिजल्टेंट निकालना है, अल्फा 1 लिखा है, L1 कितना है L है, L2 कितना है 2L है, अल्फा 2, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलता है, इतना 5α/3। क्वेश्चन नंबर 36 में सर्कमफेरेंस दिया है तो चेंज इन सर्कमफेरेंस निकालना है, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो अब यहां पे लेंथ क्या है, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ही लेंथ है, तो चेंज इन सर्कमफेरेंस, चेंज इन सर्कमफेरेंस कैसा, एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल मतलब सर्कमफेरेंस, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ही लेंथ है ना, तो क्या फॉर्मूला आएगा, एल की जगह पे सर्कमफेरेंस, अल्फा का अल्फा, डेल्टा थीटा का डेल्टा थीटा, सर्कमफेरेंस है 2πr, अल्फा जो अल्फा है और डेल्टा थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है, तो ये वाला अपना आंसर है। ओके, सिंपल क्या है, सर्कमफेरेंस को लेंथ कंसीडर करके एल अल्फा डेल्टा थीटा अपना आंसर है, एल की जगह पे सर्कमफेरेंस डाला है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऐसा रहता है क्या, थर्मामीटर में रीडिंग ऑफ थर्मामीटर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कॉन्स्टेंट रहता है, तो कौन सा भी यूनिट रहने दो, कौन सा भी यूनिट रहने दो, दोनों यूनिट्स में क्या होता है, दोनों यूनिट्स में ये वाला कांस्टेंट रहता है ये, तो 34 दिया है डिग्री सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर, माइनस लोअर लिमिट डिग्री सेल्सियस में 0, अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, अब वो नया थर्मामीटर पे रीडिंग कितना आएगा पता नहीं, वो टी माइनस लोअर पॉइंट दिया है -20, अपर पॉइंट दिया है 130, लोअर पॉइंट दिया है -20, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है क्या, केल्विन का रीडिंग और फारेनहाइट का रीडिंग सेम है, तो केल्विन का भी रीडिंग एक्स पकड़ा है मैंने, फारेनहाइट का भी एक्स, तो केल्विन का रीडिंग माइनस केल्विन का लोअर पॉइंट, केल्विन का अपर माइनस केल्विन का लोअर इज इक्वल टू फारेनहाइट का रीडिंग माइनस फारेनहाइट का लोअर, फारेनहाइट का अपर माइनस फारेनहाइट का लोअर, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स मिल जाएगा, एक्स मतलब ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन में भी और फारेनहाइट में भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, इस बीकर में वाटर है 200 ग्राम और बीकर का हीट कैपेसिटी है 20 ग्राम वाटर जितना,
मतलब एक 200 ग्राम वाटर जितना हीट खाता है, जितना हीट एब्जॉर्ब करता है, सॉरी कहाँ, ये 20 ग्राम, सॉरी अभी एक बार, बीकर में कितना वाटर है, 200 ग्राम वाटर है, और बीकर का कैपेसिटी कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम वाटर जितना, मतलब 20 ग्राम का वाटर जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उतना ही हीट ये बीकर एब्जॉर्ब करता है। तो ओवरऑल वाटर क्या कंसिडर करने का, 200 अंदर वाला, और बीकर को इक्वेलेंट वाटर कितना है, 20, तो टोटल वाटर कितना पकड़ने का, 220, कितना टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे, और उसमें 440 ग्राम वाटर 92 डिग्री पे था वो ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद टेम्परेचर कितना हुआ, थीटा, तो ये 440 ग्राम जो 92 डिग्री पे था वो ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर थीटा हो गया, माइनस लिखा है, माइनस क्यू मतलब ठंडा हो गया, बाहर निकल गया हीट। और इधर क्या होता है, 20 डिग्री पे था इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इधर से इस हॉट वाटर से इसने टेम्परेचर ली है, हीट ले लिया, इसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर कितना होता है, थीटा, तो इधर हीट अंदर जाता है, इधर से हीट बाहर निकलता है। तो एमसीपी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एमसीपी डेल्टा थीटा, अंदर इधर से बाहर आया हुआ हीट, ये ठंडा होता है ना, इधर से जितना हीट बाहर आता है उतना हीट इसको मिलता है, तो इधर से कितना हीट बाहर आता है, यही फॉर्मूला एमसीपी डेल्टा थीटा, एम कितना है इतना, सी कितना है 1 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा थीटा कितना है, 92 का थीटा पे है, 92 बड़ा है तो 92 माइनस थीटा, इधर भी m 220, c कितना है, इधर भी 1 है, वाटर ये डेल्टा थीटा कितना, 20 वाला थीटा पे गया, तो थीटा बड़ा है इसलिए थीटा माइनस 20, जितना ये ठंडा होता है जितना इसका हीट लॉस होता है उतना ही इसका हीट गेन होता है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 68 डिग्री। ओके।